दोस्तों ताजमहल के बाद अभी हम आगरा किला में पहुँचे हैं। आगरा किला में 25% सिर्फ टूरिस्ट के लिए खुला है, जहाँ पर राजा महाराजा और उनकी दासियाँ रहते थे। बाकी 75% में जो उस टाइम में 25,000 सैनिक रहते थे और उनका हाथी घोड़ा रहते थे, वो वाला पार्ट अभी इंडियन आर्मी के अंडर में है, वो वाला अभी टूरिस्ट को अलाउ नहीं है। ये सारे चीज़ हम हिस्ट्री बुक में पढ़े थे, लेकिन अभी हम अंदर में जाएंगे और देखेंगे उस सब चीज़ के बारे में जानेंगे। आगरा फोर्ट को बनाने के लिए 4 मुगल जनरेशन की टाइम लगा। अकबर, अकबर के बाद उसके बेटा जहांगीर, जहांगीर के बाद उसके बेटा शाहजहां, शाहजहां के बाद उसके बेटा औरंगजेब, तो 4 मुगल जनरेशन की टाइम लगा, तो टोटल 95 ईयर टाइम लगा। मुगल एम्पायर में बाबर 1526 से 1530 तक शासन किए थे, हुमायूं 1530 से 1556 तक, अकबर 1556 से 1605 तक शासन किए थे, जहांगीर 1605 से 1627 तक शासन किए थे, उसके बाद शाहजहां 1627 से 1658 तक, 58 से 1707 तक औरंगजेब ने शासन किया था, तब तक आगरा किला कंप्लीट हो गया था। पे कटिंग टाइप का पीस दिख रहा है, ये कोई डेकोरेशन नहीं है। ये मुगल के समय में हाथी घोड़ा इसी रास्ते से जाते थे और ये रास्ता स्लोप टाइप का है, इसलिए उसको उबड़ खाबड़ करके बनाया गया है ताकि किसी का पैर ना फिसले। और यहाँ पे इको होकर एक बहुत बढ़िया साउंड आता है। जब राजा बाहर से आते थे तो घोड़े के पैर से जो साउंड निकलता था तब सबको पता चल जाता था। उस टाइम में जैसे कोई दुश्मन इस रास्ते से आता तो सेना की तरफ से बड़े बड़े हैवी हैवी स्टोन उसके ऊपर गिराया जाता था उसको रोकने के लिए, और दोनों साइड से गर्म पानी और तेल छोड़ा जाता था जैसे उसके पैर जल जाए और वो किले के अंदर ना जा पाए। ये जो वॉल के अंदर होल टाइप का दिख रहा है, वहाँ पे मुगल के समय में हाथी घोड़ा ऊँट रहा करते थे, उनका एंट्री एग्जिट वो सब सेना की तरफ से है, वो 75% में आता है। यहाँ पे जो व्हाइट कलर का पत्थर दिख रहा है, ये जहांगीर का बाथटब है। जहांगीर जब पैदा हुआ था तब उसका मामा राजा मांगसिंह ने उसको गिफ्ट किया था। इसका खासियत यह है कि एक ही स्टोन को काट के बनाया गया है, किसी भी तरह का जॉइंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये 4 फुट गहरा है, अंदर 3 स्टेप है, बाहर 3 स्टेप है, टोटल 6 स्टेप है। में अंदर जाने के लिए यहाँ पर एंट्री है और किले में पूरा घूमने के बाद वहाँ पर एग्जिट होंगे हम। मूवी और टीवी सीरियल में आप देखे होंगे कि राजा महाराजा के टाइम में एंटरटेनमेंट के लिए मुजरा हुआ करता था, मतलब नाच गाना हुआ करता था। पहले इसको रंगमहल भी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी तरह का फेस्टिवल्स और फंक्शन होता था उसके लिए एंटरटेनमेंट यहीं पर किया जाता था। मुगल टाइम में वहाँ पर बेडरूम हुआ करता था, यहाँ पे डोर नहीं होता था, इसको पर्दा टांग के कवर करते थे। इस साइड में ये डाइनिंग हॉल है, जहाँ पे राजा बैठ के ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते थे। साइड में यहाँ पर एक राधा कृष्णा का मंदिर हुआ करता था, क्योंकि जहांगीर की माँ जो योद्धा भाई है वो हिंदू थी। जो विंडोज टाइप का दिख रहा है, वहाँ पे राजा महाराजा के जो खास सोल्जर्स होते थे वो वहाँ से मुजरा के आनंद लेते थे। पूरा ऊपर में राजा बैठते थे, उसके नीचे पर्दे के पीछे रानी बैठती थी।
मुगल समय के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता था, लेकिन बिना इलेक्ट्रिसिटी में एसी रूम कैसे बना वो आगे देखेंगे। ये जो सारे दीवार है आप देख रहे हैं वो अंदर से पूरा खोखला है। दीवारों के अंदर से पानी छोड़ा जाता था और विंडोज़ के होल से हवा आके पानी से टकरा के पानी को पूरा ठंडा कर देता था, जिसकी वजह से रूम पूरा एसी रूम बन जाता था। यहाँ पे टोटल 3 रूम है और 7 विंडोज़ है। ये जो विंडोज़ है इसमें होल हुआ करता था, अभी इसको बंद कर दिया गया है और इसको स्लॉट टाइप का बनाया गया है, जैसे हवा और लाइट दीवार पर टकरा के रूम के अंदर आए। मुमताज के 14 बच्चे थे, जिनमें से 6 बच्चे जिंदा थे और बाकी सबकी पैदाइश के टाइम में मौत हो गई थी। 4 बेटे थे, दोनों बेटी जहान आरा और रोशन आरा के रूम पालकी शेप में बनाई गई थी। पालकी पैलेस के ऊपर जो येलो कलर का दिख रहा है वो सोने का हुआ करता था, लेकिन जब अंग्रेज ने आए तब उसको वो निकाल के ले गए। किले के बाहर जो मठ नजर आ रहा है, जो हम एंट्री के टाइम में भी देखे थे, उस मठ में मुगल के टाइम में पानी भरा हुआ रहता था और उसमें एलिगेटर और क्रोकोडाइल छोड़ा जाता था। होल टाइप का दिख रहा है, वहाँ पे सेना तीर कमान लेके खड़ा होती थी और अंदर में जो पेड़ दिख रहा है वहाँ पे जंगली जानवर हुआ करते थे। ये चीज किले की प्रोटेक्शन के लिए थी, ताकि कोई भी दुश्मन बाहर से अंदर ना घुस पाए। दोनों बेटी का पालकी पैलेस के बीच में मुमताज का बेडरूम हुआ करता था, जिसका नाम है खास महल। यहाँ पे जो 4 गार्डन नजर आ रहा है इसको अंगूरी बाग कहते हैं। इस गार्डन में अंगूर उगाया जाता था और अंगूर से दारू वहाँ चौराहे पे बनता था। यहाँ पे ये सारे फाउंटेन बंद पड़ा है, लेकिन मुगल के टाइम में यहाँ से छोटे छोटे फाउंटेन से नॉर्मल पानी आता था और बड़े बड़े जो 5 फाउंटेन है वहाँ से गुलाब जल और अतर की पानी आता था। ये सब सुगंध के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये जो फूल टाइप का डिजाइन दिख रहा है इसको शाहजहान के टाइम में गोल्ड को मेल्ट करा के पेंट किया गया था, लेकिन अभी गोल्ड नजर नहीं आ रहा है। मुगल के बाद जब अंग्रेज आए तब वो सारे सोने निकल के ले गए। दिया की लाइट गोल्ड पे रिफ्लेक्शन होके पूरा पैलेस गोल्डन लाइट से जगमगाता। कि दोनों बेटी जहान आरा और रसन आरा का कभी शादी नहीं हुई थी। उसके भाई औरंगजेब ने उनकी शादी नहीं कराने दिया। अगर उनकी शादी होता तो उनके बच्चे होते, फिर नया कंपटीटर आता, इसलिए उनके शादी नहीं होने दिया। यह है मुसलमान बुर्ज। यहाँ पे औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहान को 8 साल के लिए हाउस अरेस्ट किया,
क्योंकि शाहजहां ने ताजमहल के बाद और एक ब्लैक ताज बनाना चाहता था। औरंगजेब ने शाहजहां को किसी जेल में नहीं रखा, उसको हाउस अरेस्ट किया, मतलब वो किले के अंदर रहेगा, सारी फैसिलिटी मिलेगी लेकिन वो किले के बाहर नहीं जा सकता। और वही ताजमहल वाला प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन है जो चांदनी रात में बहुत चमकते हैं। टूरिस्ट इसको निकालने की कोशिश करते ये स्क्रैच हो जाता था, इसलिए इसको बंद कर दिया गया है। जो भी देखना है वो बाहर से देखेंगे। राइट साइड में जो रास्ता दिख रहा है वो अंडरग्राउंड यमुना नदी को जाने के लिए रास्ता है। शाहजहां की जब मौत हुआ तब इसी रास्ते से उनकी दोनों बेटी ताजमहल ले गए उधर ताजमहल में दफन के लिए। अगर किसी तरह का इमरजेंसी आता है या कोई हमला करता है तो इसी रास्ते से राजा रानी छुपके भाग जाते थे। इस साइड में जो ये विंडो दिख रहा है ये शीश महल का विंडो है और इसका एंट्री सामने से, लेकिन वो अभी बंद पड़ा है क्योंकि टूरिस्ट लोग वो शीशे को स्क्रैच कर देते थे। महल का ये खासियत है, अगर वहाँ पे एक कैंडल जलाओगे तो 1000 कैंडल नजर आएगा। मीना मस्जिद जहाँ पर शाहजहां नमाज पढ़ा करते थे। ये है दीवाने खास, मुगल समय का पार्लियामेंट हाउस। मीटिंग यहाँ पर होता था। मीटिंग में ब्लैकस्टोन के ऊपर राजा बैठते थे, लोग कारपेट के ऊपर फ्लोर में बैठते थे और व्हाइट स्टोन के ऊपर मिनिस्टर बैठते थे। ब्लैकस्टोन में क्रैक आ गया है। जब अंग्रेजों ने तब से हमला किया तब इसमें क्रैक आ गया। हमले की वजह से वॉल में भी हॉल हो गया है। ब्लैकस्टोन बहुत ही कीमती पत्थर है जिसे गोल्ड टेस्ट किया जाता है। इसको बेल्जियम से लाया गया था। अंग्रेजों ने सारे चीज लूट के ले गए, पता नहीं उनका नज़र इस पे कैसे नहीं पड़ा। मुगल के समय में नीचे मीना बाजार हुआ करता था क्योंकि रानियों को बाहर जाने की अलाउ नहीं था। लोग बाहर से अच्छी अच्छी चीज़ लेके आते थे, उसको रानी खरीदता था और राजा उसको पैसा देता था। ऊपर में जो रूम दिख रहा है वो ऑफिस रूम हुआ करता था। 4,500 दासियाँ वहाँ पे काम करते थे तो वो वहाँ पे अटेंडेंस लगाते थे और दूसरा काम होता था। ये है दीवाने आम। यहाँ पर आम जनता का फैसला सुनाया जाता था। राजा ऊपर में बैठते थे, मिनिस्टर नीचे बैठते थे और लोग फ्लोर पे बैठते थे और विंडोज के पीछे रानी बैठ के फैसला सुनती थी। ये एक अंग्रेजों की समाधि है जिसका नाम है जॉन रासल पॉल्सन। वो नॉर्थ इंडिया का गवर्नर हुआ करता था। इसको मंगल पांडे ने 1857 में मारा था। उस टाइम अंग्रेजों के शासन थी इसलिए उन्होंने उसकी समाधि यहीं पर बना दी। दोस्तों ये थी आगरा फोर्ट की फुल टूर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।